दुनिया भर के लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भी मन में कई बार प्रश्न आता है कि भगवान रहते कहां हैं, कहां है भगवान। आप जानना चाहते हैं कि कहां रहते हैं भगवान, तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक पंडित जी थे, सबके घर घर जाकर के पूजा पाठ किया करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े मन से पूजा पाठ करते थे। एक दिन राजा के यहां से बुलावा आया, राजमहल गए, पूजा पाठ की, अनुष्ठान किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। जब अनुष्ठान हो गया, पूजा पाठ हो गया, पंडित जी को विदा करना था, तो राजा ने पंडित जी से पूछा कि महाराज एक बात बताइए। पंडित जी ने कहा कि हां बोलिए। राजा ने पंडित जी से कहा कि मेरे मन में एक सवाल है कि भगवान रहते कहां हैं, भगवान की नजर किस पर है और भगवान करते क्या है। एक साथ तीन प्रश्न राजा ने पूछे। पंडित जी सोच में पड़ गए। यह सवाल कभी भी किसी से भी पूछा जा सकता है, किसी भी भक्त से पूछा जा सकता है, कहां रहते हैं भगवान। अब वो पंडित जी थे, विद्वान थे, एकदम से जवाब नहीं देना चाहते थे। मन में बात आई कि राजा ने यह सवाल पूछा है तो कोई बड़ा ही कारण होगा, इसका जवाब साधारण नहीं है। राजा से कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक मास का समय देता हूं, एक मास के बाद आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। पंडित जी अपने घर की तरफ विदा हो गए। सर पर भारी बोझ था इन तीन प्रश्नों का, कहां रहते हैं भगवान, भगवान की नजर किस पर है और क्या कर सकते हैं भगवान। सारी जिंदगी अनुष्ठान की, पूजा पाठ की, आराधना की, मन में कभी यह प्रश्न आया ही नहीं कि कहां रहते हैं भगवान। जिसे विश्वास होता है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे तो कण कण में ईश्वर दिखाई देते हैं। पंडित जी को भी कण कण में ईश्वर दिखाई देते थे, लेकिन राजा को कैसे बताए कि कहां रहते हैं भगवान। एकांतवास में चले गए, सोचते रहे, दिन भर सोचते रहते थे इन तीन प्रश्नों का उत्तर क्या उत्तर देंगे। समय खत्म होने लगा, महीना बीतने लगा, पंडित जी बहुत चिंता में थे। राजा को यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो सजा भी हो सकती है, हो सकता है कि इसके बाद मैं कभी अनुष्ठान ना कर पाऊं, हो सकता है कि मुझे अज्ञानी घोषित किया जाए। पंडित जी का बेटा यह सब देख रहा था कि पिताजी आजकल चिंता में है। पंडित जी के बेटे ने पिताजी से पूछा कि बाबा क्या हुआ, क्यों परेशान रहते हो, जब से राजमहल से आए हो तब से परेशान हो, क्या बात हुई। पंडित जी ने सारी दुविधा बताई, बताया कि इन तीन प्रश्नों के उत्तर मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजा को कैसे समझाऊं कि भगवान कहां रहते हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके साथ चलूंगा, और आप राजा से कहिएगा कि इन साधारण प्रश्नों के उत्तर तो मेरा बेटा भी दे सकता है। एक माह खत्म हुआ, पंडित जी अपने बेटे के साथ राजमहल में गए। पंडित जी ने राजा से कहा कि इन साधारण प्रश्नों के उत्तर तो मेरा बेटा भी दे सकता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है। राजसभा थी, राजा सिंहासन पर बैठे थे, सब लोग प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते थे। बेटे ने कहा कि पूछिए महाराज, क्या प्रश्न है आपका। तो राजा ने कहा ईश्वर रहते कहां हैं,
ईश्वर की नजर किस पर है और ईश्वर क्या कर सकते हैं। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं बारी बारी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके यहां अतिथि का सत्कार नहीं होता? आपने मुझे आसन नहीं दिया, मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, मेरे लिए दुग्ध नहीं मंगवाया, आते ही आपने प्रश्न पूछा। राजा ने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं व्यवस्था करता हूं। तुरंत व्यवस्था हुई, पंडित जी के बेटे को आसन दिया गया, उनके लिए दुग्ध लाया गया। जब दुग्ध का गिलास पंडित जी के बेटे ने हाथ में लिया, उस दुग्ध को देख करके पंडित जी का बेटा उस दुग्ध में उंगली घुमाने लगा, बहुत देर तक उंगली घुमाता रहा। राजा देख रहा था कि वो दूध में उंगली घुमा रहा है। राजा ने बेटे से पूछा कि आप दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हो, क्या दूध खराब है, आप इसे पीना नहीं चाहते? तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूं कि इसमें मक्खन कहां है, क्योंकि मक्खन तो दूध में ही होता है ना, दूध से ही निकलता है ना, तो मैं मक्खन को तलाश कर रहा हूं। राजा ने कहा कि ऐसे थोड़ी मक्खन निकलता है। राजा ने कहा कि मक्खन निकालने के लिए पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर उसकी दही बनती है, दही को मथना पड़ता है, उससे मक्खन निकलता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि वही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि मक्खन दूध के भीतर होता है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है, तब मक्खन की प्राप्ति होती है। ईश्वर तो हम सबके भीतर है, लेकिन सबसे पहले उन पर प्रगाढ़ विश्वास करना होता है, फिर उनका ध्यान करना होता है। जब ध्यान करते हैं तो ईश्वर की अनुभूति होती है, अपने भीतर का ईश्वर जागृत होता है, तब हमें ईश्वर दिखाई देता है। ईश्वर कहीं और नहीं रहते, हम सबके भीतर हैं, हर जीव के भीतर हैं, आपके भीतर भी हैं और मेरे भीतर भी। राजा अति प्रसन्न हुआ। बेटे ने कहा कि अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दीपक की आवश्यकता है। एक दीपक मंगवाया गया, दीपक को प्रज्वलित किया गया। जब दीपक प्रज्वलित हुआ तो पंडित जी के बेटे ने राजा से कहा कि आप मुझे बताइए कि यह प्रकाश किस ओर देख रहा है। तो राजा ने कहा कि यह प्रकाश तो चारों तरफ फैला हुआ है, यह तो चारों तरफ देख रहा है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि वही तो मैं भी कह रहा हूं कि ईश्वर तो इस प्रकाश की भांति है, जहां ईश्वर है वहां अंधकार होता ही नहीं, और ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर हर जगह है, जैसे प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, हर ओर देख रहा है, उसी प्रकार ईश्वर हर जीव को देख रहे हैं, इस सारी सृष्टि को देख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड को देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही प्रकाश है, और जहां ईश्वर है वहां कभी अंधकार हो नहीं सकता। राजा अति प्रसन्न हुआ। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि ईश्वर कहां देख रहे हैं। पंडित जी के बेटे ने कहा कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं तब दूंगा जब आप मेरे स्थान पर आ जाएंगे, इस आसन पर बैठ जाएंगे, और मैं आपके राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं वहां बैठकर दूंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है। राजा पंडित जी के बेटे के आसन पर आ गया और पंडित जी का बेटा राज सिंहासन पर बैठ गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद पंडित जी के बेटे ने कहा कि आपने पूछा था ना कि ईश्वर क्या कर सकते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये भगवान कर सकते हैं। एक रंक को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं। पल भर भी नहीं लगा आपको मेरे स्थान पर पहुंचने में और मुझे आपके स्थान पर पहुंचने में, ईश्वर जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर नहीं कर सकते।
हम सब उनकी रचना है। हमारे मन में इस तरह के प्रश्न आने ही नहीं चाहिए कि वो कहां देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कहां रहते हैं। हमें सिर्फ इस सृष्टि को निहारना है, इसकी खूबसूरती को देखना है, स्वयं को देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने भीतर झांकना है। हर जगह आपको ईश्वर दिखाई देंगे। ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। एक बार अपने मन से पुकारिए तो सही, एक बार प्रगाढ़ विश्वास करिए तो सही, फिर देखिए आप हर पल हर क्षण ईश्वर की नजर में हैं। छोटी सी चींटी की पद चाप भी सुनते हैं मेरे ठाकुर। मेरे ठाकुर की नजर अनंत ब्रह्मांड पर है। आप किसी की नजर में हो ना हो, लेकिन ईश्वर की नजर में सदैव है। इसलिए एकांत में बैठिए, सबसे पहले विश्वास कीजिए, फिर ईश्वर का ध्यान कीजिए। आपको हर पल ईश्वर की अनुभूति होगी। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप ईश्वर की शरण में चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।